चुनाव और धान कटाई का व्यापार पर दिख रहा असर। प्रशिक्षण ही मतदान केंद्रों में सफलता दिलाएगा, कहना है कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा का। दस गांवों की मत्स्य सहकारी समितियों ने मतदाता जागरूकता। हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे प्रमुख त्यौहार दीपावली, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर सहित पूरे जिले भर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत 10 अक्टूबर धनतेरस से होगी। इस दिन धन व संपन्नता के लिए कुबेर देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। दीपावली पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह सज गए हैं, लेकिन इस साल इन दिनों धान की कटाई का कार्य जोरों पर होने से व विधानसभा चुनाव को लेकर 17 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर शहर सहित ग्रामीण अंचलों में चुनावी माहौल जोरों पर है और लोग शहर सहित ग्रामीण अंचलों में चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं, जिससे बाजार में ग्राहकी कम नजर आ रही है और धंधा भी मंदा है। धनतेरस के एक दिन पूर्व जेवरात व कपड़े एवं इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कम ही रही। चुनाव के कारण व्यापार बहुत इफेक्टेड है, व्यापार कम ज्यादा से ज्यादा 30-35% चल रहा है, पर आगे व्यापार अच्छा रहेगा, दीपावली भी अच्छी होना चाहिए ऐसी संभावना। हमास युद्ध के चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों तेज हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा गुरुवार को विधानसभा कटंगी और वारासिवनी में आयोजित हो रहे मतदान दल कर्मियों के प्रशिक्षण में शामिल हुए। वारासिवनी के महाविद्यालय में DEO डॉक्टर मिश्रा मतदान दल कर्मियों के साथ जाकर बैठे और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का अवलोकन किया। इसके बाद स्वयं संबोधित करते हुए कहा कि यहां लिया जा रहा प्रशिक्षण मतदान केंद्र के भीतर बड़ा उपयोगी होगा, इसलिए इस प्रशिक्षण को 17 तारीख को होने वाले मतदान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने। यही प्रशिक्षण मतदान के दिन होने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात से भी आश्वस्त किया है कि मतदान सामग्री छूट भी जाए तो चिंता न करें। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रत्येक मतदाताओं तक मतदान दिवस और समय की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में मत्स्य विभाग भी अपनी समितियों के सदस्यों के माध्यम से जागरूकता रैली निकालकर मतदान का संदेश दे रहा है। बुधवार को मत्स्य विभाग अंतर्गत आने वाली 10 गांवों की समितियों के माध्यम से रैली आयोजित की गई। मत्स्य विभाग बालाघाट द्वारा ग्राम पंचायत कोहका विकास खंड बैहर में मछुआ सहकारी समिति भमोड़ी, मछुआ सहकारी समिति भीमोड़ी, बलगांव, मोहगांव, सीतलपानी, जता, सीता डोंगरी, झरखेड़ा, स्व सहायता समूह खोलवा, आम गांव के लगभग 209 सदस्य उपस्थित हुए। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर होने वाले मतदान तथा विभिन्न लिफाफों, अलग अलग वर्ग के मतदाताओं की एंट्री पीठासीन अधिकारी की डायरी में अनिवार्य रूप से करना होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में इन अधिकारियों को एंट्री के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की गलतियाँ ना हों। यह प्रशिक्षण ई दक्ष केंद्र में आयोजित किया गया। जिले में मदिरा के अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण और विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी वृत्त कटंगी के ग्राम सुकड़ी घाट, महदोला, कोड़मी, बासी एवं सालेबड़ी में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें आबकारी की टीम द्वारा 120 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 43 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर कुल 4 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया।